आइए नाज़रीन, आज हम आपको ईद पर तैयार की जाने वाली एक और रेसिपी देते हैं जो कि ट्राइफल की है। इसे हमने टम्बलर्स में तैयार किया है, तो बहुत से लोग इसे वाइन ग्लासेस में बनाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे किसी तौर पर भी तैयार कर सकते हैं। कोई भी ब्रांड जेली का ले लें, वो पैकेट जो है एक ऐसे बाउल में आपने डालना है जो कि टूटे ना गर्म पानी से। तो इसमें हमने एक पैकेट जेली का डाल दिया है और अब इसमें एक कप हमने बॉइलिंग वाटर डाला है। उससे यह है कि चीनी आसानी से मिक्स हो जाएगी, लेकिन हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। पैकेट पर 2 कप लिखा हुआ होता है, तो अमूमन जो जेली होती है उसको जमाने के लिए 2 कप पानी लिखा हुआ होता है। आपने 2 नहीं डालना, आपने 1.5 डालना है। उससे यह है कि जेली आप अच्छी शेप में काट सकते हैं। तो ये मिक्स होने के बाद हमने जो बाकी का पानी डाला है वो रूम टेम्परेचर का टैप वाटर डाला है। उससे यह है कि ये ठंडी जल्दी हो जाएगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसको हमने छोड़ देना है यहाँ तक कि ये लूक वार्म रह जाए, ताकि गिलास ना टूट जाए। अब हमने फ्रूट्स डाले हैं, दोनों बेबीज हमारे साथ बैठे हुए हैं और बड़ा ही मुश्किल काम है जो हम इस वक्त कर रहे हैं, इसलिए कि बच्चों का फोकस ज़्यादा इन्हें खाने में है। ऐवान मियाँ को तो वैसे ही खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो ब्लू बेरीज जो है वो सारी खा जाएगा, और थोड़ी सी हैं, सीज़न भी नहीं है। तो ये देखें, आप ये देखें, हमारे रोकते रोकते उन्होंने अपना मुँह भरा हुआ है, तो ये सारी ही इन्होंने ख़त्म कर देनी है। और हमने इन टम्बलर्स के अलावा एक डिश में भी ट्राइफल तैयार करना है, तो पता नहीं बचती है कि नहीं। बहरहाल हमने ब्लूबेरी डाली है, रास्पबेरी डाली है और स्ट्रॉबेरी डाली है, स्लाइस करके स्ट्रॉबेरी लॉन्ग वे हमने इसमें डाली है। जब हमारा जेली का जो लिक्विड है वो लूक वार्म रह जाए तो उसको हमने इन फ्रूट्स पर डाल देना है। तो इसको हमने रात के वक्त किया है, और जितना चाहे आप भर लें, बेशक ज़्यादा डाल लें, फ्रूट्स ही हैं और नीचे ये बना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमें इस तरह पर बनी हुई चीज़ें जो हैं वो मोस्टली ब्यूटी के लिए ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके के टेस्ट के, तो ये बहुत रौनक सी एक आपके टेबल पर जो है वो पैदा कर देती हैं। अब हमने 2 कलर्स यूज़ करने हैं जेली के, एक हमने येलो किया है, एक हमने ग्रीन कर लिया है। तो ये वाली जेली है जो हमने इस्तेमाल की है, आप कोई भी कर सकते हैं। हमने आज से पहले ये नहीं की इस्तेमाल, हमें वैसे बहुत अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बस दरमियानी है। अब हमने इसमें भी 1.5 कप पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये हमने कीवी फ्रूट ले रखा है, तो ये तो बहुत ही प्यारा लगता है कटा हुआ, इसको अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यारे रंग अता किए हैं, आँखों को भाने वाले। तो इसके हमने स्लाइसिस किए हैं और 2-2 स्लाइस जो हैं वो हमने टम्बलर में डाल लेनी है। और इसके बाद जो भी फ्रूट आपको पसंद हो, ब्लूबेरी डाली है, स्ट्रॉबेरी डाली है और रास्पबेरी जो है वो डाली है, साथ हमने कीवी फ्रूट के स्लाइसेस डाले हैं और फिर ऊपर से जेली जो है वो हमने इसमें पोर कर दी है। तो जितना लेवल चाहें आप इसका कर लें, और रात भर हमने इनको अब यूँ रखे रहने देना है। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, हमने रात को इनको यहीं बेंच टॉप पे ही रखा रहने दिया है और इनके ऊपर हमने क्लिंग रैप लगा लिया है। जैसे ये रखे हुए हैं, पूरा एक टुकड़ा क्लिंग रैप का हमने इसके ऊपर काट कर डाल दिया है, तो उससे यह है कि रात को इसमें कोई चीज़ गिरेगी नहीं। अब सुबह का वक्त है, ये देखें, ये बिल्कुल जम चुका हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से। तो अब हमने इसमें स्पंज केक डाल लेना है, तो बना बनाया ही लिया है स्पंज केक, आप चाहें तो घर पे बना लें, लेकिन यह है कि ईद का मौका है और काम बहुत ज़्यादा है। और इसमें हमने ये जो पाइनएप्पल क्रश है वो डाल देनी है, तो कोई भी फिजी ड्रिंक, पाइनएप्पल डाल लें, पैशन फ्रूट डाल लें जिसमें फिज हो, तो वो बहुत मज़ेदार लगती है। फिर हमने इसमें जो क्रश्ड पाइनएप्पल का कैन होता है वो डाला है, 1-1 टीस्पून भर के अच्छी तरह से। चाहें तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फ्रूट भी डाल लें, चाहे मिक्स फ्रूट के कैन का 1-1 टेबल स्पून जो है वो आप इसके ऊपर डाल लें, उससे कलर्स भी ज़्यादा आ जाते हैं, फ्रूट भी ज़्यादा हो जाता है। फिर आपने कस्टर्ड इसमें डाल देना है, जितना आप चाहें उसकी लेयर डाल देनी है, और उसके ऊपर आपने फ्रेश क्रीम जो होती है वो डालनी है। हमने आम व्हिपिंग क्रीम जो है वो डाली है, डबल क्रीम नहीं डाली, लेकिन ये थिक है, ये ब्रांड जो है ये अच्छा थिक है, तो एकदम से ये कस्टर्ड में मिक्स नहीं होगा। तो ये ऐसा पतला नहीं है, ना कस्टर्ड ऐसा पतला है कि उसमें क्रीम मिक्स हो जाए, ना क्रीम इतनी पतली है कि वो एकदम से गिर के कस्टर्ड में मिल जाए। तो दोनों चीज़ें अच्छी गाढ़ी हैं, लेकिन इतनी गाढ़ी नहीं है जितनी के बाज़ लोगों को हमने देखा है कि एक ब्लॉब सा ही बन जाता है। बिल्कुल मुनासिब इनका टेक्स्चर है जितना हमें चाहिए। और इसके बाद हमने एजिस पे जो ग्लास की हैं, टम्बलर की हैं, एक एक फ्रूट में आधा आधा कट लगा के वो लगा देना है। ब्लूबेरी लगाई है, ग्रेप लगाया है, स्ट्रॉबेरी लगाई है, रास्पबेरी लगाई है। फिर इसके ऊपर हमने कैन की जो व्हिप्ड क्रीम होती है वो थोड़ी सी डाल देनी है। ये सिर्फ हमने सहूलत के लिए सब कुछ किया है कि बना बनाया लिया है, ये सारा कुछ आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, खुदा करे कि आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।